तो बैग भाई डरा दिया भाई। ओ भाई मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसकी माँ की आंख फाड़ दी थोड़ी सी भाई। Hey fellas, welcome back to Granny Remake. आज हम लोग कोशिश करने वाले हैं फिर से इसके घर से भागने की। लास्ट एपिसोड की कमेंट्स पढ़ने के बाद आज मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर सकता हूँ, कुछ सीक्रेट्स पता है मुझे। शुरू करते हैं। तो आई डोंट थिंक हमारे पास कोई एक्चुअल वेपन है दादी को हर्ट करने के लिए, तो आई गेस सिर्फ एक ही वेपन है, वो रिमोट कंट्रोल, ताकि मैं उसे दरवाजे में बंद कर सकूं। फिलहाल तो बाथरूम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ है यहाँ। कॉइन, ओके आई गेस ये कॉइन यूज करके मैं उस कैन को उठाऊंगा नहीं बस। द डोर इज लॉक्ड, व्हाट ये वाला दरवाजा क्यों बंद है भाई? तो आई गेस ये रैंडमाइज हो जाता है, जो वो डोर की मिलेगी मेरे को मास्टर की, उससे आई थिंक लाइक एक की मिलती है, तो कोई भी रैंडम डोर बंद कर देते हैं ये। चलो मेरा तो फेवरेट जगह यही है फिलहाल, ये बहुत सेफ सी लगती है एक्चुअली। मैं भाग के जाता हूँ और उसे खोल देता हूँ, वो बेटर रहेगा। टायर भी यहीं पे है, यहाँ पे भी कुछ है। चलो नीचे जाते हैं, इस बार मेरे को यूवी लाइट मिलेगी ना, तो मेरे को सीक्रेट्स के बारे में थोड़ा सा पता है, तो आई होप हम। घड़ी की आवाज आ रही है, वो पेंटिंग, ये अच्छा है, इधर से आएगी ना वो। ओ उधर का तो गेट बंद है पर, शिट मुझे तो याद ही नहीं, पहले ये गेट खोलना पड़ेगा। ए, इसने तो खोल, इसके पास है क्या चाबी? तूने कैसे खोल दिया भाई? मेरे लिए बंद होगा ये, या बंद है। अगर ये डोर बंद है तो यहाँ पे घूमना रिस्की है फिर, मेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए जब तक ये डोर खुल नहीं जाता, बेकार में फंस जाऊंगा मैं तो। ओ रिमोट कंट्रोल, यस अभी उठा लूं। दादी है कहाँ? लेके चलते हैं, भागो। नॉट श्योर वो कहाँ है पर भागो। क्वेश्चन ये है कि मैं कितनी देर तक उसे बंद कर रख सकता हूँ उस रूम में। बंद करना भी मुश्किल होगा, बहुत ही अजीब पोजीशन पे है वो रूम। एंटीना है यहाँ पे, एक्चुअली इसे यूज कर लेते हैं अभी। इस एंटीना से हमें नंबर्स मिलते हैं, पता नहीं वो नंबर्स है भी कहाँ के, कोई इलेक्ट्रॉनिक कोड वगैरह तो है नहीं। अबे हाँ ये टीवी भी तो रैंडमाइज हो जाता है, ये इसीलिए थोड़ी सी टफ सी है, ये सब रैंडमाइज हो जाता है ना। अब टीवी पता नहीं कहाँ होगा, मुझे एक्स्ट्रा डे की ज़रूरत है वैसे, वो पेंटिंग ले आनी चाहिए थी मेरे को, ले आता हूँ। नहीं है भी कहाँ वो, ऊपर से मिला था मेरे को तो ये। उसे खोल के यहाँ छुप जाता हूँ, पता भी तो नहीं है ग्रैनी है कहाँ। ओके अभी जाओ जल्दी, ओके वेट। मेरे पीछे है वो, फक ओ भाई डरा दिया मेरे पीछे है वो, यहाँ से आई नीचे से मैं तो सोच रहा घर में होगी यार डरा दिया भाई। आई थिंक वो उधर से जा रही है इधर आने के लिए। ओके एक बार और ट्राई करता हूँ, अब तो पता ही है मुझे वो ऊपर है। ओके 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 अभी ट्राई करते हैं। ओह फक सेक, कहाँ पे है? ऊपर थी वो, डरा दिया भाई, इसका पता ही नहीं कहाँ पे रहती है ये। टाइम नहीं मिल रहा ना, वो रूम ऐसी खतरनाक सी जगह पे है कि टाइम नहीं मिल पा रहा। कम ऑन अभी तो काम बनना चाहिए, आ रही है वो। शिट कम ऑन, चक्कर ये दिखेगा नहीं ना दिख नहीं रहा ना, या तो मुझे पक्का पता हो कि ये किचन साइड गई है ताकि मैं उस कमरे में छुप सकूं और देख सकूं इसे। ओके ओके पर देखूं कैसे उसे मैं, चक्कर तो यही है। ये भी गेट बंद है क्या? ओह थैंक गॉड वो आई नहीं इस बार, अबे वो प्लायर लेके चली गई। पर क्रीकिंग साउंड हो गई, कम ऑन यार कुछ करने ही तो नहीं दे रही वो, टाइम सा ही नहीं मिल रहा कुछ भी करने का। इसे तो रूम में फंसाना ही इतना मुश्किल है। अभी तो होना चाहिए भाई, अभी तो आ रही है वो। नहीं वो तो ये काम ही नहीं करा, बहुत दूर हो गया मैं। शिट यार कम ऑन भाई, ऊपर जा रही है वो। ओके अभी आ रही है वो, ध्यान से कम ऑन। अभी वो वहीं थी ना,
पता ही नहीं और कहीं तो लग नहीं रही क्योंकि मैंने बहुत कोने में डाला था उसे। या अभी नहीं आ रही हो? ऑल राइट, यही चांस है मेरा। व्हाट, वो थी नहीं वहां? वो टीवी तो ये रहा। अबे हैमर है यहाँ पे, दिखा क्यों नहीं था ये? ओके, यहाँ पे गिरा था ना मैंने, क्या यहाँ से कुछ उठाया था मैंने? ओ उसने उठा लिया होगा ना, ये जगह भी तो चेंज करती रहती है ड्रामी। यहाँ पे देखें कुछ है, ये क्या? ओ हैंडल, नाइस, चलते हैं। प्रोग्रेस करें यार, उस रिमोट कंट्रोल के चक्कर में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं करी मैंने। यहाँ पे आ रही है क्या वो? उसने देख लिया क्या मुझे? नहीं। स्क्रू ड्राइवर मिला है, ऊपर चलते हैं। लिवर आर्म, इससे ये होगा, इससे वो खुल जाएगी। वॉल, देखें वॉल में क्या है। ओ पेंटिंग, नाइस। एक पेंटिंग और चाहिए। ओ भाई एंटीना लेके जा रही है वो ड्रामी मेरा, और मुझे लग ही रहा था वो यहां से आएगी। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओ यूवी लाइट, लेट्स गो। क्लू ढूंढने का टाइम आ गया, वो वहां जा रही है, यही मौका है, इसको ओपन करना है ना हमें। यहाँ पे एक डॉट है। यहाँ तो कुछ नहीं है, नीचे भी है डॉट्स। यहाँ आई थिंक यहाँ पे कुछ नहीं है, जो है ऊपर ही है। यहाँ पे कुछ है, टायर, एंटीना यहाँ पे रखा है। चलो बाद में यार, पहले जरा कोड वगैरह देख लेते हैं ना, वो जरूरी है थोड़ा सा। इस बार यहाँ पे नहीं है वो डॉट्स, डॉट है यहाँ पर, ये इधर जा रहे हैं इस बार, एंड देन इधर। यहाँ कहीं है, यहाँ से यहीं पे तो जा रहे हैं ये। क्या मिस कर रहा हूँ मैं, यहीं पे है क्या कोई क्लू? ओ एक और पेंटिंग, लेट्स गो। फाइनल डे मिल जाएगा मेरे को। यार क्लू तो कहीं भी नहीं दिख रहा मेरे को, यहीं पे डॉट्स खत्म हो रहे हैं। कॉइन भी यहाँ पड़ा है, बताओ। पेंटिंग ले लूँ, ये पेंटिंग तो लगाएं कम से कम, एक्स्ट्रा डे तो लें। अब इसने मेरी वो टॉर्च भी उठा ली, शायद यहीं पे थी क्योंकि। अब यार ऐसे कैसे, नहीं ये रही, लाइक यहाँ पे है ये डॉट, कहाँ है फिर? ये शुरुआत तो नहीं है डॉट की, क्योंकि इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है। अगर ये शुरुआत है तो मेरे को इसका फॉलो करना है इसे। बाथरूम में तो नहीं है भाई, दूर से ही दिख जाएगा वो तो, क्योंकि ये भी तो दिख रहे हैं दूर से ही। डरा दिया रे, इसने अभी भी एंटीना ले रखा है, और एंटीना छोड़ दिया उसने, यही लगा देते हैं इतने। लो भाई कोड तो मिल गया, अब इस कोड का चार डालूं, पता तो है ही नहीं ना कहाँ लगाना है ये। मैं टायर वायर पे मेहनत नहीं करना चाहता, मेरे को पहले यूवी लाइट का कोड समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, वरना कोई फायदा ही नहीं है। गेट नहीं खुलेगा तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? मे भी मेरे को कटिंग प्लायर्स लेके ना वो बेल वगैरह तो काट देनी चाहिए एटलीस्ट, कोई बता रहा था कि ये बेल काट सकते हैं हम। मुझे यूवी लाइट का सिस्टम समझ ही ना आ रहा भाई, मैं डॉट्स जितने भी हैं उनके दोनों एंड्स पे जा चुका हूँ, सारे में घूम चुका हूँ, पता नहीं कहाँ पे है ये। ये रहा पैटर्न, पैटर्न तो यहाँ पे है, व्हाट द फक, तो वहां डॉट्स क्यों है? वैसी भाई वो ऊपर कमरे तक जा रहे हैं, ये पैटर्न्स तो यहाँ पे है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे डॉट्स क्यों है फिर? कितने भाई मैं कहूँ ना कि कोई सेंस ही नहीं बना रही, तो ऐसे क्या सारी दीवारों पे ही अगर मेरे को छानना था तो ये डॉट्स का मतलब क्या है वालतू में? या तो ये हिंट दे रखे कि ऐसा दिखेगा वो, अबे इतना तो मुझे ही पता है भाई, यूवी लाइट से दिख जाएगा। अल्लाह तो बहुत डम चीज है। लेफ्ट राइट एंड राइट, ओके लेफ्ट राइट, ऐसे एंड राइट। क्या यार भाई, दुखी कर दिया यार, बिल्कुल मजा नहीं आया इसमें तो। हट, फिक्स द कार। ओके अब शुरू कर सकते हैं हम कार पे काम। अभी तो रेडिएटर वगैरह सब ढूंढना है, अभी तो शुरुआत। और ये गेट खुला हुआ है, ओ यार मैं यहीं से ना आ जाता फिर, ये गेट तो खुल रखा है। आई गेस अब कटिंग प्लायर्स ले आने चाहिए मेरे को, ताकि मैं ये बेल्ट वगैरह काट सकूं, दिमाग खराब हो रहा है। कटिंग प्लायर्स सबसे ऊपर है मेरे, वहां चलते हैं। कटिंग प्लायर्स, ओके। रिमोट कंट्रोल का तो फिलहाल कोई काम नहीं है, देखे पहले तो ये काट भी सकते हैं हम बेल, या वैसे ही ट्रोल किया जा रहा था मुझे। कहाँ काट सकते हैं वैसे ही? ओ ये भी ना बात, यहाँ नीचे की बेल्स भी काट दे जितनी भी हैं, क्योंकि अभी प्लायर्स हाथ में कर देते हैं काम, इजी हो जाएगा थोड़ा। अरे फक यू, आई नहीं वो, एक टायर है यहाँ पे, वही लेके चलूं? अभी तो रेडिएटर भी नहीं दिखाया यार, लास्ट एपिसोड में सब कुछ मिल गया था मुझे, अभी आके धप्पा करेगी वो अचानक से, देखना। क्रिकिंग साउंड, फक। अरे यहाँ पे भी तो बेल है एक, इसकी बेल को भी काटना पड़ेगा मुझे। ओ नीचे है वो, रेडिएटर मिल गया, नाइस।
बहुत बढ़िया, यहाँ से निकलेगी क्या वो? जाने दो, आराम से जाने दो। मैं सोच रहा हूँ कटिंग प्लायर ले आऊँ, क्योंकि ये बाहर की बेल कट जाएगी ना, तो घूमना स्मूथ हो जाएगा काफी। चलो भाई, ये जो आधी स्क्रीन घेर लेता है ना, ये बड़ी अनोइंग चीज है, दिखे भी ना वो, इसीलिए मैंने ये वाली बेल काट दी। क्योंकि बाहर से जाके सब कुछ लगा देना वो फिर भी काफी इजी है। उधर आवाज आ रही है उसकी, जा सकते हैं अभी हम। रेडिएटर लगाओ पहले, टाइम भी लगता है भाई लगाने में। ओके, अभी एक एक करके टायर्स लाने हैं बस। ये टायर इस बक्से में क्या कर रहा है? मैंने स्नो में घेरा था, आई एम श्योर। एक बार कार ये गैराज डोर खुल जाए ना और तुम्हें पता हो कहाँ पे हैं टायर्स, फिर तो करना मुश्किल नहीं है। अब उसकी आवाज भी आ रही है हल्की। ओ भाई साहब, ये क्या था? ये टायर ने आवाज करी क्या? मुझे लगता है मुझे नीचे जाना चाहिए, क्योंकि काफी टायर्स नीचे भी मिलते हैं, जैसे कि ये। दादी की हेल्प ले सकता हूँ वैसे मैं, पता नहीं वो इस आवाज से आएगी या नहीं, या मुझे ही ले जाना पड़ेगा। नहीं आई वो, हमें ही जाना पड़ेगा। भाई डरा दिया भाई। ओ भाई, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसकी माँ की आंख फाड़ दी थोड़ी सी भाई, क्योंकि स्लो भी था ना मैं। छुपो यार, दिमाग खराब कर दिया इसने तो, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। ऐसा लग रहा था उसकी ऊपर से आ रही आवाज, यहाँ तक आ गई पीछा करते हुए। मेरा टायर भी ले लिया, और प्लीज ले जा बाहर, ऊपर ले जा। फॉलो करूं इसे, देखूं टायर कहाँ फेंकेगी। तू इतना इजीली ले जा रही है, बॉडी बिल्डर है पूरी। यहाँ छोड़ दिया, बताओ इसके पीछे पीछे ही चलूं? पलट ना जाए अचानक से। ये पलटेगी तो नहीं यार, अचानक से ना जाएगी। हाँ, क्लीन भी करता जा रही है सारा रास्ता। जा जा भाई जा, बहुत बढ़िया। अब मैं इधर से निकल रहा हूँ, काफी लंबा सर्वाइव कर गया। वैसे मैं अभी तक एक बार भी नहीं मरा हूँ, पहला दिन ही है ये, कर जाएंगे इस बार तो। मुझे कार की भी तो चाहिए, वो भी तो नहीं मिली है अभी। वाटरमेलन भी नहीं मिला है, मैंने जगहें एक्सप्लोर नहीं करी शायद। मेरे को ना घर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब इधर से आ रही है क्या वो, पूरा घूमेगी क्या? नहीं फिलहाल तो नहीं। ओ ये बंदी कितनी अनोइंग है। यूवी लाइट का और कोई काम तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक टायर यहाँ पे भी है, ये एक्चुअली यहाँ थ्रो कर दें, इजी पड़ेगा। लाओ भाई टायर दो, जल्दी जाओ। एक टायर और चाहिए बस अब। एक टायर, कार की पैडलॉक की, ये चाहिए अब मेरे को। मे भी मेरे को एक बार मरना भी पड़ेगा, ताकि मैं दूसरे उस वाले रूम में जा सकूं। यहाँ पे तो है नहीं कुछ भी। ओ हैमर है यहाँ, काम तो नहीं है इसका कोई पर फिलहाल। ये वहां क्यों जा रही है, इसने देखा नहीं मेरे को? चलो ये ले लेते हैं, चलते हैं। एक टैंक और चाहिए मेरे को भाई, पूरा भरने की जरूरत क्या है तेरे को? फॉरेस्ट में इतना दूर आया था तू, एक से काम चला ले भाई। एक और गैसोलीन टैंक कहाँ मिलेगा? इसमें कुछ है? इनमें कुछ होता भी है? लग तो नहीं रहा। ओ माय गॉड भाई, डरा दे वे वो तो यार। अभी हम मीडियम पे थे ना, तो मैं यहाँ से बच भी गया। अगर ये एक्सट्रीम मोड पे होता ना, ये मेरे से बहुत तेज होती, और फिर मैं यहाँ नहीं छुप पाता, मेरे को भागना पड़ता। मेरे को लगता है यहाँ पे और कुछ है, यहाँ पे बस हो गया। ओ मैं फंस गया, बच गया क्लच। ओ व्हाट द फ, ये हरामजादी कितनी गंदी है, ये कितनी गंदी है, ये कितनी गंदी है। ये पलट के आ गई और आवाज कम कर दी थी इसने, मुझे लगा चली गई यार। ये बात अभी पूरा आएगी घूम के, मेरे को मिलेगा टाइम। क्या रह गया पर, मैंने क्या नहीं एक्सप्लोर किया, सब तो कर लिया। ये क्या? ना इनमें कुछ नहीं होता कभी भी। मुझे वो कॉइन लाके ना एटलीस्ट कैन तो डाल देनी चाहिए यहाँ पे, वरना रिस्क ही रहेगा। अबे यार ये भी ना, कॉइन लेके आते हैं ऊपर पड़ा है वो, रिस्क फ्री हो जाएंगे तो अच्छा है। इसने उठाया तो नहीं हो? यस ये रहा, भागो जल्दी अब वो आएगी। कितना सही तरीका है ये, बहुत सही लगता है ये। यही जगह है जो मेरे को थोड़ा सेफ फील कराती है इस गेम में, वरना तो भाई दुखी कर रखा है इसने। ओके ये डाल देते हैं, अभी पिएंगे नहीं पर, इसे पिएंगे जब जब लगेगा मौका सा। अबे ये रही ना एक और गैसोलीन, ये मिली क्यों नहीं थी मेरे को? बंद करो इसे, बंद हो जा। अच्छा ये बंद नहीं होगा, चलो कोई ना, पेट्रोल तो पूरा हो गया। अब मेरे को कार की चाहिए। इट सीम्स दैट द कार विल नॉट बी एबल टू गो नाउ, वो तो पता ही है मुझे। ओह व्हाट, शवल, इसे पीट सकता हूँ मैं दादी को? चाटे चाटे मारे ना इस शवल से, गिर जानी है वो बुढ़िया। ओए ये स्नो में दबा हुआ तो नहीं होगा कुछ सीक्रेट भाई?
हेलो, कुछ है यहाँ दबा हुआ? शवल का काम क्या है सही में? हाँ, इन दीवारों को छेड़ सकता हूँ मैं? नहीं, तो काम क्या है फिर इसका? यार मुझे पता था यही ड्रामा होगा। यहाँ पे और भी गड्ढे होंगे फिर? ये एक ही है? अरे दादी शातिर, एकदम दुखी कर रखा तूने। तो वो एक ही गड्ढा है बस? उसमें से भी तो पर बैटरी मिली है बस। बैटरी लगेगी कहाँ? है क्या ये बैटरी है ना? बैटरी तो है, कोई ढंग की चीज मिल जाती यार। मुझे लग रहा है बैटरी मेन डोर पे लगेगी। अबे यहाँ, ओ कुछ तो आया था अभी। यहाँ प्लेस फॉर बैटरी। चलो बैटरी भी कार की है फिर, अच्छी बात है। इट सीम्स दैट द कार विल नॉट बी एबल टू गो नाउ। टायर चाहिए ना एक और। मुझे लगता है भाई मेरे को एक और बार मरना पड़ेगा। जब वो इस कमरे में डालेगी ना, इसी कमरे में एक आखिरी टायर होगा हमारा, क्योंकि मैं सारी जगह घूम लिया भाई, और कहीं तो मेरे को टायर दिख नहीं रहा। मर जाता हूँ बस। ये टैक्टिकल मौत थी, ये मौत लेना जरूरी था। टायर है यहाँ? शिट, वेस्ट हो गई मेरी मौत। ये टायर यहाँ कैसे आ गया? मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये यहाँ कैसे आया? ये यहीं पे था? यार भाई तुम मजाक कर रहे हो, ये टायर यहाँ? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। व्हाट? मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं यहाँ से कोई और सामान लेके गया था, ये यहाँ पे कैसे आ गया? मैं कंफ्यूज्ड हूँ, पर ऐसे की तैसी मेरे को टायर तो मिला एटलीस्ट। ओके, ये लास्ट टायर है हमारा। मुझे नहीं लगता मेरे को पैडलॉक की चाहिए, नहीं चाहिए, कार की है इसमें या नहीं। मेरे को कार की आज तक मिली नहीं है मेरे ख्याल से। देखो पता चलेगा, लास्ट टायर तो लगाऊं मैं। डन, बस यस। कोई कार की वगैरह? ओ अच्छा, चला तो रहा हूं मैं। तोड़ो बैस की। ओ भाई ये क्या है? इतना एंटी क्लाइमैक्स क्यों था ये? लाइक कुछ सीन सा नहीं बना, मूवी तो चलाओ। अरे भाई ले, ना मेरे को कार की जरूरत पड़ी, ना मेरे को वो गेट खोलने की जरूरत पड़ी। सही है आई मीन, पर फिर भी और इंटरेस्टिंग होता वो भाई। वो चार टायर लाना ही दिमाग खराब हो गया भाई, दुखी हो गए बिल्कुल ही। ओके, इसको हार्ड मोड और एक्सट्रीम मोड में भी मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, हालांकि मुझे नहीं लगता मैं उसमें कंप्लीट कर पाऊंगा, बहुत बहुत अनोइंग हो जाएगा उसमें वो। पर या ट्राई तो करेंगे, और अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम ट्राई करेंगे मेन गेट से निकलने का। अगर तुम लोगों को मजा आज के एपिसोड में, ड्रॉप अ लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर ऐसी गेम प्ले वीडियोस देखना पसंद है तो। बाकी मैं चला, गुड बाय। बाबे बोल भी नहीं पाया भाई, सांस ही।